सर्वदलीय बैठक में कृषि आंदोलन को नहीं प्रधानमंत्री मोदी बड़ बयान। केन्द्र सरकार एवं चाषी मध्य केवल गोटे फोन कॉल रो दूरता। केन्द्र कृषि मंत्री द्वारा दि जा प्रस्ताव एवं भी बलवत्तर रही। चाषी आलोचना सरकार सर्वदा प्रस्तुत। संसद में सरकार सब प्रसंग आलोचना प्रस्तुत। अच्छा संसदर बजेट अधिवेशन को सुरखुरी संपादित करने शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक बसी। बैठक में प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण बयान दे कहते सरकार और चाषी मध्य केवल गोटे फोन कल दूरता रही। कृषि आईन को नहीं केन्द्र सरकार पक्ष दि प्रस्ताव एपर्त बलवत्तर रही। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह पूर्व बयान को दोहर प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार आभिमुख्य को सबु दल नेता आगे रखि। प्रधानमंत्री कहते कृषि आईन को नहीं चली आंदोलन और यह संपर्कित समस्या समाधान आलोचना माध्यम ही हेबो। मात्र देशर स्वार्थ विषय में समस्त को चिंता करने को पड़ो। सेपटे बजेट अधिवेशन में छोट दलगुड़ी को अधिक समय दिजा गुरुत्व दी छोट दलगुड़ी मत और दावी उपस्थापन करने को यथेष समय दिजा प्रधानमंत्री निजर समर्थन जन केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कहते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय राजनाथ सिंह जी के पूरे उपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। सारे पार्टियां लगभग सारे पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। लेकिन हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पर अवेलेबल हूँ। सर्वदलीय बैठक में बजेट अधिवेशन को सुचारू रूपे चलाइबा एवं राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे चर्चा रे सब विरोधी सामिल होगा प्रसंग में मध्य आलोचना करा जाई थिला। संसद में कृषि आईन संपर्क में समस्त प्रकार आलोचना करा जिबो बोली सरकार तरफ आश्वासना दिया जाई। एहि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 दल सदस्य उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।